दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की नोटिस में कई सारे केसेस आए थे और बदनवानी के मतलब जो केसेस थे वो केसेस आमतौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो को या एसीबी को दे दिए जाते हैं। और इसी तरह का एक केस था जो पुलिस हुकाम के नोटिस में आया था, और ये केस था नॉर्थ कश्मीर के सोपोर का, जहां पर सरकारी अफसरान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और बदकिस्मती क्या है कि जो इल्ज़ामात हैं बड़े सख्त किस्म के हैं, बड़े संगीन नवीयत के हैं। और मैं जब एफआईआर कॉपी को भी देखता हूं तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद दिखाने या बताने लायक नहीं थी। मगर इन सब के दरमियान असल मामला क्या है, मैं फटाफट से उस पर आ जाता हूँ। सोपोर वो इलाका जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, जिसको जो कई परसों तक मिलिटेंसी का गढ़ भी रहा, यहाँ दुकानें जिन लोगों को अलॉट की गई वो गलत तरीके से की गई, जिन्होंने की उन्होंने गलत तरीके से की, और इन गलत तरीके में मुलव्वस कौन था, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो केस रिपोर्ट किया गया उससे पता चला कि मुकदमा जो दर्ज हुआ है डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कश्मीर जो साबिक डायरेक्टर है, उस वक्त के जो एरिया मार्केटिंग ऑफिसर हैं सोपोर में, और 48 बाकी लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जो बेनिफिशरीज हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी नोपोरा सोपोर के अंदर, जो दुकानें इनको दी गई वो जाली अलॉटमेंट थी, गैरकानूनी तरीके से दी गई, और ये केस दर्ज हुआ है। मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे, लेकिन जब एसीबी ने तस्दीक की तो पता चला कि बागबानी मनसूबाबंदी और मार्केटिंग, यानी जो बागबानी का महकमा है, मार्केटिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से फ्रूट मंडी सोपोर में दुकानों की अलॉटमेंट की गई, लेकिन बड़े पैमाने पर इनमें घपला हुआ। तहकीकात के लिए एसीबी के जरिए मुश्तरका जो सरप्राइज चेक था वो किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मौके पर भी पता चली। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो एरिया है सोपोर में नोपोरा फ्रूट मंडी है, मार्केटिंग ऑफिसर ने फ्रूट मंडी यूनियन के टाउट्स के साथ मिलकर उनकी मर्जी के मुताबिक दुकानें अलॉट की, यानी वो जो चाह रहे थे, और दो दहाइयों कबल प्रीमियम के साथ फॉर्म जमा करवाने वाले जो यानी तकरीबन 20 बरस पहले जिन लोगों ने फॉर्म जमा कराया था कि उनको ये दुकान मिलनी चाहिए, जो असल में बेनिफिशरीज थे उनको नज़रअंदाज किया गया और अपनी मर्जी से बाकी लोगों को एरिया अलॉट कर दिया गया। महकमा बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके मुताबिक जिसने फलों सब्जियों के काश्तकारों ताजरों कमीशन एजेंटों मुश्तरका जो फर्म्स थी जो फर्में काम करती हैं, सोसाइटियां फेडरेशन कॉरपोरेशंस और बाकी एनजीओस जो फ्रूट एंड वेजिटेबल में 700 दुकानों के अलॉटमेंट के लिए तजवीज़ करदा फॉर्म थी उसकी पेशकशें तलब की, और बहुत सारे लोगों से वक्त गुजरने के साथ साथ जो किस्त लेनी थी वो भी नहीं ली गई, जो इस चीज़ से सामने जो बात सामने आती है। और जो ऑर्डर नंबर है मैं वही आपको बता देता हूँ, जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें तस्दीक भी हो पाती हैं। कुछ एक चीज़ें हैं वो पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से भी बहुत पहले रख दी गई थी, और तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दुकानों की जगह की जो अलॉटमेंट की गई उसमें कुरंदाजी भी नहीं की गई, यानी जो कुरंदाजी करनी थी उस जैसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अलॉटमेंट मनमानी से हुई। एरिया मार्केटिंग ऑफिसर सोपोर यानी मोहम्मद अशरफ दमनो ने पसंदीदा तरीके से जो मन में आया वो किया, जालसाजी की, और जो मुस्तहिक अफराद थे जिनने कई बरस पहले फॉर्म जमा किया था उनको तहकीकात से बात सामने आई है, जो एफआईआर में बातें हैं कि इन लोगों ने मिलकर ये सब काम किया। उस वक्त के जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, साबिक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और साथ साथ खुद एरिया मार्केटिंग ऑफिसर, 2001 2009 2014 ऐसे केसेस का जिक्र किया गया है, कई गुना ज़मीन की जो शरह थी उसमें इजाफा भी हुआ, जो रेट्स थे उनमें इजाफा होता चला गया, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके लिए खात्मे के लिए बदनवानी को ख़त्म करने के लिए एसीबी बनाया गया था। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अफसरान पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, तो इस हिसाब से हुआ है जो मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। ये मुकम्मल तफसीलात थी जो केस असल में है नोपोरा फ्रूट मंडी सोपोर के अंदर, जहाँ पर मुस्तहिक अफराद को दुकानें नहीं दी गई जो डिज़र्व लोग थे, बल्कि मनमानी से अपने तरीके से ये दुकानें दी गई, जिस पर नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया।